क्या रोहित शर्मा का बैकअप बनेंगे अभिमन्यु ईश्वरन? वेल यार, बनता है यार, बनता है यार, इस लड़के का बनता है। मतलब मैं ऋतुराज गायकवाड़ का फैन हूं, संजू सैमसन का फैन हूं, ईशान किशन का फैन हूं, और बहुत सारे यंग लड़के हैं जिनको टीम में जगह दिलाने के हम सपोर्टर रहे, कि इन लड़कों को जगह मिलनी चाहिए, ये अच्छा कर रहे हैं। साई सुदर्शन और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यार अभिमन्यु ईश्वरन मुझे लगता है कि इसका वैसे ही सपोर्ट होना चाहिए जैसा सरफराज खान के एक जमाने में हम लोगों ने किया था। ये सरफराज खान ही है, बस प्यार नहीं है। सरफराज भाई को प्यार और पीआर दोनों मिल गया था एक समय के बाद, उनके लिए काफी बैकिंग हो गई, टीम में आए, अच्छा कर भी रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु भाई भी ऐसे ही हैं। अभिमन्यु ईश्वरन की जगह बनती है बॉर्डर गवास्कर सीरीज में रोहित के बैकअप के तौर पर, और वो डिजर्व करते हैं यार। मतलब कोई इंसान शतक पर शतक लगा रहा है, बैक टू बैक शतक लगा रहा है, और भारत के घरेलू क्रिकेट में रनों की बारिश कर दी है, तो फिर यार उसको आप खिलाओगे तो क्यों नहीं खिलाओगे? दलीप ट्रॉफी ले लो, ईरानी ट्रॉफी ले लो, रणजी ट्रॉफी ले लो, आप जहां खिला रहे हो लड़का शतक मार दे रहा है। इसके बाद तो बनता है ना यार, इसके बाद पैमाना क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या रोहित भाई की जगह अभिमन्यु भाई होंगे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के शुरुआती मैचेस में जब रोहित भाई नहीं होंगे? वेल, ही ट्रूली डिजर्व, आपको मौका देना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन ने लखनऊ में चल रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में यूपी के सामने फिर सेंचुरी लगा दी है, और ये शतक इसलिए खास है क्योंकि लगातार चौथा शतक है। हालांकि अनफॉर्चुनेट ये है कि भाई को मौके नहीं मिल रहे यार इंडिया टीम में, उसकी वजह है बहुत सारा टफ कॉम्पिटिशन, तगड़ा कॉम्पिटिशन है, हर आदमी अच्छा कर रहे यार, ऊपर से नीचे तक सारे प्लेयर अच्छे हैं, बट ये आदमी अलग खेल रहा है यार, शतक का चौका आसान नहीं है गुरु। अभिमन्यु ईश्वरन ने यूपी के खिलाफ सेंचुरी लगाने से पहले इंडिया बी के लिए खेलते सेंचुरी जड़ी थी, 157 बनाए थे, फिर इंडिया डी के सामने 116 रन बनाए, मुंबई के सामने 191 की पारी खेली, और अब फिर शतक उनका रणजी ट्रॉफी में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यार जो आदमी चार शतक लगातार लगा रहा है यार, उसकी जगह तो बनती है यार, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। और इसीलिए सवाल मेरा, क्या अभिमन्यु ईश्वरन को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बैकअप के तौर पर शामिल किया जाएगा? हालांकि ऋतुराज भाई भी अच्छा खेल रहे हैं यार, इज टू गुड, नो डाउट, उनकी जगह भी बनती है, बट बीसीसीआई नीड टू टेक अ टफ कॉल। अभिमन्यु ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़, टेक अ टफ कॉल। मतलब अभिमन्यु ईश्वरन ने बहुत रन बनाए इस साल बहुत रन बनाए, इनफैक्ट 2023 से बना रहा है, कई बार अनफॉर्चुनेट रहा, टीम में आया, सिलेक्शन हुआ, बट खेलने का मौका नहीं मिला, बट अब बनता है यार, बनता है बंदे का। अभिमन्यु ईश्वरन ने फर्स्ट क्लास से 11 इनिंग में लगातार रन बनाए। अगर मैं आपको आखिरी 11 इनिंग बताऊं, 72 रन, 65 रन, फिर 200 रन, फिर दो पारी फ्लॉप गई, फिर 157, 116, फिर एक पारी फ्लॉप, 191, फिर एक पारी फ्लॉप, फिर 127। यानी हर दूसरे मैच में लड़का अच्छा खेला, 11 मैच में 969 रन, 121 का एवरेज, 5 शतक, 2 अर्धशतक। इनसेन कंसिस्टेंसी भाई, ये अलग लेवल का है, अलग लेवल का लड़का चल रहा है। 2020 के बाद से अगर इस लड़के को आप देखेंगे, 56 मैच खेले हैं, 3031 रन बनाए, 60 का एवरेज है, 13 शतक है, और क्या चाहिए यार, मतलब आपको टीम में जगह पाने के लिए और क्या चाहिए आपको? ये आई थिंक है शानदार। मतलब अगर आप देखोगे 2023 से, तो एलेक्स हेल्स ने मारे हैं तो 8 शतक 49 इनिंग में, अभिमन्यु भाई ने 7 मारे हैं 32 इनिंग में। सवाल ये कि क्या भाई को मौका मिलेगा? 2 साल से टीम इंडिया स्क्वाड में रखा तो जाता है, डेब्यू नहीं हो पाता है। हालांकि भाई हार नहीं मान रहा, भाई अच्छा खेल रहा है। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, देखते हैं कब मौका देते हैं, कब इंसाफ होता है, बट 9 पारी में 5 शतक, कहते हैं ना यार कि अगर दरवाजा ना खुल रहा हो दरवाजा तोड़ दो, ये दरवाजा तोड़ने वाली परफॉर्मेंस है, 9 पारी में 5 शतक। लेट्स सी कब इन पर नजरें इनायत होती हैं और कब इन्हें मौका मिलता है। माना तो जा रहा है ऋतुराज जा सकते हैं, बट भाई ने परफॉर्मेंस की है, लेट्स सी, देखते हैं।